संयुक्त मोर्चा के द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार के समक्ष 11 सूत्रीय मांगे रखी। भिंड जिले में एक साथ संयुक्त मोर्चा के द्वारा सरकार से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर भिंड सर्किट हाउस में कांग्रेस जिला अध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा के नेतृत्व में सपा आम आदमी पार्टी के साथ कई पार्टियों ने प्रेस वार्ता बुलाई। इसमें बढ़ती महंगाई को कम करने, किसान विरोधी कानून को वापस लेने, सार्वजनिक उपक्रम को निजीकरण किया जा रहा है उसे रोका जाए, बिजली की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने, कोविड-19 से पीड़ित परिवारों को मदद पहुंचाने, मनरेगा में विस्तार कर मजदूरों से काम दिए जाने की और लोगों की जासूसी के सॉफ्टवेयर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराई जाए, सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, सभी शिक्षकों कर्मचारियों और छात्रों के कोविड टीकाकरण को प्राथमिकता दी जाए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा ने कहा कि 25 सितंबर को भिंड में विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। 27 सितंबर को किसान मोर्चा के द्वारा भारत बंद कराने की अपील का समर्थन करेंगे। समय रहते उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो उग्र प्रदर्शन होंगे। गरीब आदमी के घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, खाने के लिए चूल्हा नहीं जल रहा है, लेकिन आप पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पिछली 20 अगस्त को सामूहिक 19 दलों ने, विपक्षी दलों ने सामूहिक रूप से इस तानाशाह सरकार के खिलाफ और किसानों के समर्थन में एकजुटता की बात कही थी, और उसी संदर्भ में हम सब लोगों ने 25 तारीख को खंडा रोड पर हम लोग एक धरना प्रदर्शन का आयोजन करने जा रहे हैं, और उसके बाद 27 तारीख को किसानों का आह्वान है कि इस देश को बंद कराने का। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी उनके समर्थन में उनके साथ खड़ी हुई है।